सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चे कल आपने स्टार्ट किया सी सॉरी आपने कल किया सी गैस लॉस ठीक है ना ते आपने चारों गैस लॉस करके बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एवोगैड्रोस लॉ एंड गे लुजिक्स लॉ चारों लॉस करके आपने फाइनली डिराइव की सी एक आइडियल गैस इक्वेशन चारों के बेस पे ठीक है ना अज आप फिर आपने ये भी कहा सी कि एक आइडियल गैस की होंगी है एक आइडियल गैस इज कि विच बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द गैस लॉज या आइडियल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है बॉयल्स लॉ की सीगा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस या अमाउंट ऑफ द गैस and Gay-Lussac's law see pressure is directly proportional to the absolute temperature ठीक है so इन्हें नो मिला के अपने को एक ideal gas equation बन गई सी PV is equal to nRT where R was the universal gas constant जिस दी nature अपने किती सी it is work done per mole per Kelvin फिर अपने भी क्या सी कि अगर अपने को pressure is in atmosphere and volume is in liters The R the value is 0.0821. अगर pressure is in bars and volume is in decimeter cube, the R the value is 0.0831. And अगर pressure is in pascals and volume is in meter cubes, ठीक है? Then R the value अपने put करनी है 8.314 बच्चे, ठीक है ना? So एन्ना portion अपा कर चुके आज अपने एथो ही कंटिन्यू करना है पहला PV is equal to NRT तो ते दो लॉज अपने होर स्टडी करने हैं फिर अपने इस दे नाल लॉज खत्म हो जाएंगे बच्चे ठीक है ना एंड देन अपा इस दे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ठीक है सो फर्स्टली जो आज अपने करना है दैट इज रिलेशन बिटवीन molecular mass of a gas and its density relation between molecular mass of a gas and its density bache theek hai na so dekho apa ne kal kita ki ideal gas equation says pv is equal to nRT theek hai where p is the pressure of the gas v is volume of the gas N is equal to number of moles, T is absolute temperature, and R is your universal gas constant. So, मैं इसको आई में लिख सकता हूँ. PV is equal to so number of moles are given mass upon molar mass into RT. So ये mole concept है ना? कि N is number of moles किधर बराबर होते हैं? Given mass upon मोलर मास उनमें की करूंगा मैं मोलर मास को इधर ले जाना है बच्चे तो वॉल्यूम को इधर ले आना है सो दिस इंप्लाइज पीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी इनटू आरटी क्लियर सो मेरे को की बन गया पीएम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू की हुंदा बच्चे डेंसिटी ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਆਰ ਟੀ ਬਾਏ ਪੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਗੈਸ ਐਂਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ या भाई कह लो कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी सो डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी क्लियर बच्चे ठीक है सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय द रिलेशन बिटवीन द मोलर मास ऑफ अ गैस एंड इट्स डेंसिटी ठीक है ना हुन सो दिस वाज द लास्ट फॉर्मूला
दिस वॉज द लास्ट फॉर्मूला रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें भी न्यूमेरिकल अपन आएंगे, तो मैं एक बार फिर समअप कर रहे हैं। देखो अपने सारे फॉर्मूलाज जो अपन न्यूमेरिकल्स यूज होंगे, सो देखो एक तो लिखे ही हुआ बोर्ड पे। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अपन ने किया सी P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अपन यूज करेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अकॉर्डिंग टू गे लूजिक्स लॉ P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। अगर आप तिन्ना नु कंबाइन कर दिए, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर सपोज आप तीन चीजा वेरी कर रही हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ते नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है, फिर अपना रिलेशन की बनूंगा P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। सो एक लास्ट रिलेशन ए नोट कर लो, ए अपने कदों यूज करना है जो अपने को तीन वेरीएबल्स आ जाएंगे। देखो इन्हां दे विच तां अपने को दो दो वेरीएबल्स है, इत्थे की है टेंपरेचर ते नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सटेंट है, इत्थे की है प्रेशर ते नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सटेंट है, इत्थे वॉल्यूम ते नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सटेंट है। फिर अपन ने एवोगैड्रोस लॉ भी कीता सी V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इत्थे प्रेशर एंड टेंपरेचर कॉन्सटेंट है, सो अगर अपने को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सटेंट होन ते प्रेशर वॉल्यूम ते टेंपरेचर वेरी कर रहे हैं, फिर आप की यूज करेंगे P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ठीक है। ते अपने लास्ट ते आज डिराइव कर लिया रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ गैस एंड इट्स मोलर मास इज इक्वल टू D इज इक्वल टू PM/RT, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन एंड गैस लॉस, ठीक है। दो लॉज अपने होर करने हैं, बट उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन के नाल कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। जिम्मे मैं सू कल कहा कि विद इन द फर्स्ट 10 to 15 minutes कल आप आइडियल गैस इक्वेशन खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सो फर्स्टली आई थॉट कि आप इस तो बाद पहले इस न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बट अपने को दो लॉज है, अज आप की करने हैं, पहला आप उसका थियोरी पोर्शन ही खत्म कर देने हैं। दो लॉज, ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। सो पहला आप करेंगे बच्चे ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रुचि नेक्स्ट लॉ इज ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हम देखो खुद बोल रहे हैं, है ना, लॉ मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि इट इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ठीक है। हुन इस तो पहला अपन नूं पहला ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब की होता है कि कोई भी चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाल जाती है, कदों तक जाती है, जो सारे पासे उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल जी एग्जाम्पल की है, जिवें आपां ने पानी दे विच कोई भी सॉल्ट या शुगर पाती तो वह डिफ्यूज करती है, है ना। जिथे देखो तुसीं पाई है, जिथे अपना चम्मच गिरया है, उत्थे तो उहदी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाकी पानी च घट है, वह सारे कितें गई डिफ्यूज होगी, एंड एट द एंड अपने को एक होमोजेनस सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रोसैस इज द फास्टैसट फॉर द गैसिज, क्योंकि उन्होंने आपस दिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होंगे, नेगलिजिबल। तो जिमें हम तुम कोई भी गैस न, ठीक है ना, रूम के इस कॉर्नर पर लीव किया, ठीक है ना, वो गैस बच्चे फटाफट डिफ्यूज करूगी सारे रूम के, कितनी देर तक डिफ्यूज करूगी, जिनी देर तक पूरे रूम च उसकी कॉन्सेंट्रेशन होमोजेनस यानी कि इक्वल सेम नहीं हो जाती, ठीक है ना। सो ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हुन की कह रहे हैं, ठीक है ना, इट सेज दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज inversely proportional to the square root of its density, ठीक है ना। अगर आप टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशंस नू सेम रखांगे तो जिहड़ी गैस ज्यादा डेंस है, ज्यादा हैवी है,
देखो बच्चे कोई एडी खास गल नहीं है, मतलब इसनू मतलब समझना कोई बहुत ही है, एक बहुत खतरनाक लॉजिक नहीं है। आपां नू वैसे भी पता है जिहड़ी हल्की चीज हुंदी है वह जल्दी मूव करती है, जिहड़ी हैवी चीज हुंदी है वह लेट मूव करती है। हुण सपोज अगर तुहाडे अगे दो मतलब दो ह्यूमनस खड़े है, दो बॉयज़ या दो गर्ल्स खड़िया ने सेम एज दिया, सेम क्लास दिया, है ना, सेम एज दे या सेम क्लास दे दो बॉयज या गर्ल्स खड़िया ने, ठीक है। तो हुण एक दा मास सपोज एक गर्ल या एक बॉय जो भी उन्हां चो हैगा उहदा मास हैगा 40-50 kg, ठीक है, दूसरे का हैगा 80-90 kg। तो जे मैं हुण तुहानूं पुछा कि दोनों विचों कौन जल्दी मूव करूगा, तुसीं की कहोगे 80-90 वाला? नहीं, कौन जल्दी स्विफ्टली मूव करूगा? 40-50 kg वाला। बच्चे जो चीज़ हल्की होंदी है उसनू मूव करना ईजी होंदा है, जो चीज़ हैवी होंदी है उसनू मूव करना मुश्किल होंदा है। सेम इज ट्रू फॉर गैसेस, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होएगी बच्चे ओदी डिफ्यूजन मूवमेंट स्लो होगी। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। सो अपना फॉर्मूला की बनया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज inversely proportional to the under root of its density. समझ आई गल बच्चे, ठीक है ना। So rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the under root of its density. अगर मैं दो गैसेस नू कंपेयर करना है, ठीक है ना, सपोज मैं सुनू कहा कि R1 is the rate of diffusion of gas A, ठीक है, चलो आप आए लिख लो, of a gas of density D1, ठीक है, अगर R1 is the rate of diffusion of a gas of density D1 and R2 is the rate of diffusion of a gas of density D2, so मेरे को दो अलग अलग गैसेज है, एक दी density D1 है बच्चे, दूजे की डेंसिटी डी टू है, ठीक है, दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन मैं कंपेयर करना है, तो मेरे को फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो की बनूगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ उल्टा डी टू बाय डी वन। सो देखो जे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जी चीज इधर उपर होंगी है वही इधर उपर रहेगी, जे चीज नीचे है वह नीचे रहेगी, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा। So R1 upon R2 is equal to under root of D2 by D1. Clear? तुम देखोगे। So this is the first formula of Graham's law of diffusion. ठीक है? Now, अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि same temperature and same pressure पे अपन ये दोनों gases की diffusion check कर रहे हैं। उन्हें भी ना, अगर दोनों में जो जड़ी gas heavy है, जब उसे उसको temperature दे दो, तो भी movement बढ़ जाएगी। या उसे तुम प्रेशर नाल, ठीक है ना, पुश कर दो तामी उदी मूवमेंट बन जूगी। सो दोनों गैसेस दे ऊपर सेम प्रेशर लग रहा है, सेम टेंपरेचर लग रहा है, फिर अपन उन्हें रेट्स चेक कर रहे हैं। टेंपरेचर ते प्रेशर का रिलेशन अलग होगा, वो तो बात करांगे, ठीक है। नाउ हुने हुने आपां ने फॉर्मूला कीता सी कि डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। देखो आपां ने कीता सी ना, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी, this implies density is directly proportional to molar mass. So jehdi density hundi hai oh molar mass de directly proportional hai, theek hai. So dekho, so main is karke main eh vi keh sakda hai, so dekho bacche jehdi density hai oh molar mass de directly proportional hai, so jehda molar mass hai oh main density di jagah te likh sakda hai. So mera second formula ki ban gaya, r1 by r2 is equal to under root of molar mass of second upon molar mass of one. गल समझ आई कि नहीं? क्योंकि देखो बच्चे जे मास नू डबल करोगे molar mass नू तो डेंसिटी भी डबल होगी, directly proportional, ठीक है ना? So since density is directly proportional to molar mass, मैं density की जगह पे molar mass भी लिख सकता है। So मेरा second formula बन गया r1 upon r2, ठीक है? is equal to m2 by m1. So मैं example दे नाल explain कर दा है चीज, देखो कि मैं, so देखो
ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਮੀਥੇਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਅਪੋਨ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੀਲੀਅਮ ਅੱਛਾ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਬੱਚੇ 4 16 by 4 is under root of 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਇਨਟੂ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਸੋ 2 ਇਨਟੂ 2 ਇਸ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੀਥੇਨ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 16 ਇਹਦਾ 4 ਸੋ ਇਹ ਹੈਵੀਅਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਪ ਡਨ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ R1 upon R2 is equal to under root of D2 by D1. Second formula ki hai, R1 upon R2 is equal to under root of M2 by M1. Hun aapa other factors nu naal leke aavange, temperature and pressure. So, dekho bache. So, hun agar aapa ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਲਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੋਰੀ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਦੋ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਫ R1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਆਫ ਮਾਸ M1 ਮੋਲਰ ਮਾਸ M1 ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ R1 ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ M1 ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ T1 ਤੇ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਹੈ R ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ R2 ਹੈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ M2 ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ T2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ R1 upon R2 is equal to under root of M2 by M1 inversely proportional into T1 by T2 ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ R1 ਐਂਡ T1 ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਗ੍ਰੈਹਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਇਫ R1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਗੈਸ of a gas of molar mass M1 at a pressure P1 apa P1 pressure lagaya hai theek hai te ek dusri gas hai jiska rate of diffusion R2 hai
उसका मोलर मास m2 है ते अपन ने प्रेशर लगाया है p2 ठीक है तो हूं अपना फॉर्मूला की बनूंगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1 ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है m2 बाय m1 इनटू p1 बाय p2 प्रेशर अंडर रूट तो बाहर आऊंगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है सो r1 ऊपर है तो p1 ऊपर सो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 इनटू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1 क्लियर बच्चे सो दीज आर योर फोर फॉर्मूलाज ऑफ ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सो देखो बच्चे सो मैं चारों फॉर्मूलाज सम अप कर रहे हैं ठीक है ताकि जब अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो अपन किसी फॉर्मूला च कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चे सो फर्स्ट फॉर्मूला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ टू अपॉन डेंसिटी ऑफ वन सेकेंड फॉर्मूला R1 upon R2 is equal to under root of M2 by M1. Third formula, R1 upon R2 is equal to under root of M2 by M1 into T1 by T2, the whole under root. And the fourth formula, R1 upon R2 is equal to P1 upon P2 into under root of M2 by M1. ठीक है? So this is about Graham's law of diffusion. एक चीज होर ते अंगल नोट करनी है, वैसे कुछ खास गल नहीं है. देखो कई बार की होंगे बच्चे, देखो diffusion है. अगर एक ओपन चीज तो diffuse हो रही है, एक वक्री गल है. हम देखो suppose और देखो एक beaker है या jar है कोई. ये बिल्कुल क्लोज्ड है ठीक है इधर विच कोई भी गैस है सपोज एथे एक होल हो गया ठीक है तो नेचुरल है कि गैस इस होल जो बाहर डिफ्यूज करूंगी सपोज तुम्हारे पास परफ्यूम दी बोतल है तो परफ्यूम दी बोतल किसी एक जगह थोड़ी जी टूट गई तो उस होल हो गया तो परफ्यूम उस जो बाहर डिफ्यूज करूंगा तो जेडी एदा दी डिफ्यूजन हुंदी है जेडी कि थ्रू अ होल हो रही है This type of diffusion is known as effusion. ठीक है ना? Effusion की है एक special case of diffusion. ठीक है? जिथे a gas diffuses out through a hole. ठीक है ना? So that is called effusion. बाकी उसके formulas, उसका rate सब कुछ same रहूँगा बच्चे. ठीक है ना? So जब अपन numerical solve करेंगे और अपन ज़्यादा clarity हो जाएगी. ठीक है? So this is all about the theory part of Graham's law of diffusion. तो इस तो बाद इसको चंगी तरह एक बार notes चो पढ़ लेना, ठीक है? So अपना सिर्फ एक law रह गया, हम अपन भी cover करांगे. Dalton's law of partial. बच्चे Dalton's law की कहता है, उसको explain करने लिए मैं सुनो पहला just वैसी कुछ rough diagrams बनाना है. So देखो बच्चे, let it be. देखो हम डाल्टन्स लॉ बेसिकली है कि है ना सो देखो सपोज मेरे पास एक बीकर है जिस दे विच मेरे को एक गैस है ए और जेडी ये गैस है इस बीकर दिया वॉल्स दे ऊपर इट इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर पी ए डन ठीक है हुन मैं की कीता एक बिल्कुल सेम साइज दा बीकर लिया ठीक है बिल्कुल सेम साइज दा सेम डायमेंशन दा बीकर लेके मैं उस चीज गैस पाती बी एंड उस गैस ने प्रेशर एक्सर्ट कीता पी बी क्लियर ये दोनों अलग होंगे अगर दोनों के मोल्स अलग अलग होंगे है ना हुन देखो मैं फिर एक होर सेम साइज दा बीकर लिया उस दे विच मैं एक होर तीसरी गैस पाई सी तो उस गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया पीसी क्लियर नाउ व्हाट आई डिड फिर अपन ने इसी सेम साइज का एक और बीकर लेके
ठीक है, सपोज इस गैस दे मोल सी के अपने कोल Na, इस दे मोल सी Nb, इस दे मोल सी Nc, मैं तीनों गैसेस इधर विच ट्रांसफर करती हूँ, A plus B plus C, यानी कि टोटल मोल्स कितने हो गए Na plus Nb plus Nc, ठीक है, मैं स्पीकर का प्रेशर चेक किया बच्चे कितना प्रेशर है टोटल प्रेशर That came out to be PA plus PB plus PC. तीनों जिन्ना individual pressure exert कर रही है सी, उनका total आ गया बच्चे, ठीक है? This is what you mean by Dalton's law of partial pressures. So Dalton's law of partial pressures की कहना बच्चे, ठीक है ना? It states that, ठीक है? The total pressure exerted by ठीक है the total pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases बच्चे ये वर्ड लिखना जरूरी है non-reacting gases क्योंकि अगर गैसेस आपस रिएक्ट कर गई हैं फिर तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे है ना सो गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव ठीक है ना सो नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स सो अगर मैं दो या दो तो ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर लूंगा तो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करूंगा और किसके बराबर होगा उसके जोड़ के बराबर सम के बराबर किसके सम के बराबर द इंडिविजुअल प्रेशर्स विच ईच गैस वुड एग्जर्ट व्हेन टेकन इन द सेम volume at same conditions ठीक है बच्चे so की कह रहे हैं Dalton's law of partial pressure की कह रहे हैं कि जो total pressure दो या दो तो ज्यादा non reactive gases exert करेंगे वो equal होगा to the sum of the individual pressures जेड़ा कि वो gases exert करेंगे जो आप उन्होंने सेम वॉल्यूम सेम कंडीशन लवेंगे क्लियर बच्चे सो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी क्लियर ना ठीक है सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ठीक है हूं अगर आप एक रिलेशन फाइंड आउट करिए अगे सो देखो बच्चे हुन अगर मैं एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्हों का आपका प्रेशर इन्हों आप पार्शियल प्रेशर भी बोल देने जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है ना आप पार्शियल प्रेशर भी बोल देने हैं अगर मैं पी ए ते पी टी का टोटल रिलेशन फाइंड आउट करना है पी बी ते पी टी का पी सी ते पी टी का ठीक है ना अगर मैं तिना का रिलेशन इधर फाइंड आउट करना भी की होगा सो देखो बच्चे आई नो कि PV is equal to nRT. So PV is equal to nRT. This implies P is equal to n bata V into RT. ठीक है, so मेरे को pressure का formula बन गया. So this implies, so जिधर PA है, so जिधर PA है, वो किधर बराबर है? Na bata V into RT. कले नंबर ऑफ मोल्स ही वेरी करेंगे ना बच्चे क्योंकि जी वॉल्यूम है वो तो सेम है क्योंकि बीकर सेम ने टेम्परेचर भी सेम है क्योंकि अपने बाकी कंडीशंस की ने सेम है ना सो पी बी की दे बराबर होगा एन बी बटा वी आर टी एंड सिमिलरली पी सी की दे बराबर होगा एन सी बटा वी आर टी क्लियर बच्चे So, तीनों पार्शियल प्रेशर्स में तीनों अलग अलग गैसेस के प्रेशर्स में लिख ले नाउ हुन मैनू पता है कि जेड़ा पी टोटल है वो किदे बराबर है
PA plus PB plus PC. So मैं तिन्हां नूं जदों विचाले प्लस पाता तो मैं RT बटा V देखो कॉमन कर लूंगा तिन्हां चों. So मेरे को की आ जूगा NA plus NB. NA plus NB plus NC RT by V आपने कर लिया बच्चे common. So total pressure की value आ गई मेरे को ले, ठीक है. So आप आए मेरे को ले अलग अलग gases दे pressure, आप या मेरे को ले total pressure. Clear? उन मैं की करूंगा PA बटा PT. So मैं बोला PA का relation PT ना find out कर रहे हैं. So this is equal to, हाँ जी, PA की ने बराबर है NA by V, sorry, so PA किस दे बराबर है बच्चे, NA upon V into RT, ते P total किस दे बराबर है, NA plus NB plus NC by V into RT. So RT by V कट गया, ठीक है, तब मेरे को की आ गया NA upon NA plus NB plus NC. हाँ जी बच्चे, so ये की है A दे moles, आ की है बटा total moles. हाँ जी, ये इतना नहीं टर्म आपने कुछ कीती हुई है ना पहले चैप्टर च, आप दे खुद दे moles बटा total moles की हुंदा है mole fraction. So this is equal to mole fraction of A, ठीक है. So PA upon PT किने बराबर हो गया mole fraction of A, यानी कि मेरा relation बन गया कि PA partial pressure of A is equal to total pressure into mole fraction of A. Done, ठीक है बच्चे. Similarly partial pressure of B is equal to total pressure into mole fraction of B. And similarly, PC is equal to total pressure into mole fraction of C. Clear? So this is about Dalton's law of partial pressures, बच्चे. ठीक है ना? So again I repeat कि पहला तो Dalton's law कहना की है कि the total pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases is equal to the sum of the individual pressures which each gas would exert when taken in the same volume या container under the same temperature conditions. ठीक है ना? और अगर सम दे बराबर होगा, so P total is equal to PA plus PB plus PC. फिर अपने PA का relation PT दे नल find out कीता. कैसे कीता बच्चे? कि PA is equal to total pressure into mole fraction of A, PB is equal to total pressure into mole fraction of B, PC is equal to total pressure into mole fraction of C. Clear बच्चे? Done. Simple जी गल है, जिने moles जिने ज़्यादा होंगे उन्नी उन्नी contribution भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना? Now हुन देखो Dalton's law of partial pressure भी एक application भी होती है अपने को. So देखो बच्चे, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਡੈਲਟਨਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਈ ਦ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਗੈਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਗੈਸ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਪਲੱਸ प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना? जिन्ना भी टोटल प्रेशर है उस टाइम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, वो किदे बराबर है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. तो जिहड़ा है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हुंदा है उसको आप कहने हैं एक्वस टेंशन, ठीक है ना? सो जे आपां नूं किते भी टोटल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है ते एक्वस टेंशन पता है, आप ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना?
So this completes your Dalton's law of partial pressures, and with this we complete all the gas laws. ठीक है, एक बार थ्योरी पोर्शन आपा सब दा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। हुन कल आपा करांगे इना दे नाल दे थोड़े थोड़े करके न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स इत्थे सानू मैं सॉल्व करवाऊंगा एंड कुछ न्यूमेरिकल्स तुसी एज अ होमवर्क खुद करोगे, एंड विद दिस वील बी थरो। सो देखो राजे, मैं अगेन सानू दस रहे हैं कि जेड़ा ए टॉपिक है लॉज वाला, इस चैप्टर दा क्रस्ट है। इस तो बाद वाला जेड़ा चैप्टर है नो डाउट आपा करना है, नो डाउट वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस स्टेट्स ऑफ मैटर चो क्वेश्चन आंदे आही दो लेक्चर्स दे विचों है, जेड़ा एक कल कीता सी, जेड़ा अज वाला है, ते जेड़ा हुण एक कल करांगे, यानी कि इन्हां दे न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे, सो इत्थों लेक्चर्स करके उस तो बाद नोट्स चो करके फिर अपन न्यूमेरिकल्स बुक चो सॉल्व करांगे, एंड विद दिस यू विल बी वेरी थरो विद दिस टॉपिक। ठीक है, सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बच्चे। थैंक्स अ लॉट।